हेलो एवरीवन, दिस इज शिवानी। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ में कांदा भजिया की रेसिपी शेयर करूंगी, जो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भजिया बनाने के लिए मैंने 5 से 6 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, जिनको मैंने लंबा काट लिया। और उसके बाद में ये जो इनकी लीव्स है, सभी लीव्स को अलग करेंगे। इसी से हमारे कांदा भजिया बहुत टेस्टी और क्रिस्पी बनने वाले हैं। सबको अच्छे से अलग कर लेना है। ये प्याज की सारी लीव्स मैंने अलग कर ली ही है। अब मैं इसमें मसाले डालने वाली हूँ। 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 बड़ा चम्मच चाट मसाला, 1/2 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1 चुटकी गरम मसाला, 1/4 चम्मच हल्दी, 3 हरी मिर्च कटी हुई, नमक स्वाद अनुसार। मैंने यहाँ पे 1/2 चम्मच डाला है। अभी मैं मसालों को अच्छे से मिला रही हूँ। इसे मैं हाथ से मिला रही हूँ ताकि प्याज की अच्छे से चिपक जाए। अभी मैं इसमें बेसन और कॉर्नफ्लावर डाल रही हूँ। इनको मैं थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में डालूंगी, क्योंकि जो प्याज है वो पानी छोड़ता है, तो हमको उसके हिसाब से बेसन और कॉर्नफ्लावर डालना है। मेरे 3/4 कप बेसन लगा है और 1/4 कप कॉर्नफ्लावर लगा है। इसका थोड़ा कम भी लग सकता है और थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है। ये प्याज पानी कितना छोड़े ये उस पर डिपेंड करता है। भजिया के लिए हमको ऐसे टाइट बैटर चाहिए, तो ये अभी हमारा बैटर रेडी है। अभी हाथों के पानी लगा के मैं भजिया को ऐसा शेप दूंगी और अभी हम इसको ऑयल में डालेंगे। भजिया को मीडियम फ्लेम में फ्राई करना है। भजिया को एकदम हल्के हाथों से मिलाना है, नहीं तो ये टूट जाएंगे। और हम इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। अभी हमारे ये भजिया फ्राई हो रहे हैं, तो जब तक जो बैटर पड़ा है, अगर उसमें प्याज ने और पानी छोड़ दिया, तो आप उसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर और थोड़ा सा बेसन और मिला देना उसको थोड़ा टाइट करने के लिए। अभी हम बाकी सारे भी फ्राई कर लेते हैं। ये हमारे कांदा भजिया रेडी है। ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बने हैं। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।